नमस्कार शिक्षार्थियों, NIS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा आपसे आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है सामाजिक विज्ञान हेतु सहकारी अधिगम विधियाँ, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स। सामाजिक अधिगम क्यों जरूरी है? वस्तुतः समूहों में सीखना हमें एक सामाजिक संदर्भ में सीखने को प्रेरित करता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, सिमुलेशन, डिस्कशन शामिल होता है, यानी प्रेक्षण, अनुरूपण और परिचर्चा। समूह के अधिक जानकार लोग या एक्सपर्ट्स लोग सहायता करते हैं हमको जानने में, और इसके साथ साथ जब हम समूह में सीखते हैं तो मात्र अध्यापकों और अन्य विशेषज्ञों पर आश्रित ही नहीं रहते बल्कि एक दूसरे पर भी निर्भर रहना सीख जाते हैं, और इस तरीके से एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते हैं। बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार हम प्रेक्षण, अनुकरण और अनुरूपण से सीखते हैं। वाइगोत्सी ने भी यह अनुभव किया था कि अधिगम के लिए सामाजिक संदर्भ अनिवार्य है। बालक दो तरीके से सीखते हैं, अंतर मनोवैज्ञानिक स्तर पर और अंतरा मनोवैज्ञानिक स्तर पर, यानी इंटर साइकोलॉजिकल और इंट्रा साइकोलॉजिकल। इसके माध्यम से बालकों का सांस्कृतिक विकास होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? सहकारी अधिगम विधियों को जानने से पूर्व हमको यह जानना होगा कि सहकारी अधिगम किसे कहते हैं। सहकारी अधिगम एक विशेष प्रकार की सहयोगी शिक्षा है। इसमें संपूर्ण कार्य के लिए एक समान और साझा अवबोधन तथा सरोकार होता है, जो संपूर्णता में होता है, और उसे संपादित करने का दायित्व भी सभी सदस्यों का होता है, यानी सब मिलकर एक साझे सरोकार के साथ, एक साझा अंडरस्टैंडिंग के साथ कार्य करते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं, उसे पूरा करते हैं, और उसकी जिम्मेदारी भी सबकी साझी होती है। सहकारी शिक्षा में शिक्षार्थी एक संरचित गतिविधि पर छोटे समूहों में एक साथ काम करते हैं। पूरे समूह के कार्य का इसमें मूल्यांकन किया जाता है और समूह एक दूसरे के साथ काम करते हैं, अर्थात छात्र अपने समूह में तो कार्य करता ही करता है, अन्य समूहों के सदस्यों के साथ भी वो इंटरेक्शन करता है और वहाँ पर एक टीम के रूप में काम किया जाता है। सहकारी अधिगम के उद्देश्य क्या होते हैं? प्रत्येक बालक को सहकारी अधिगम द्वारा शैक्षिक कौशलों को उभारने का अवसर मिलता है, या अवसर प्रदान करना प्रत्येक बालक को सहकारी अधिगम द्वारा शैक्षिक कौशलों को उभारने का अवसर प्रदान करना शैक्षिक अधिगम का उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक कौशलों को प्राप्त करने के लिए छात्र को उचित वातावरण प्रदान करना, प्रत्येक बालक को इस योग्य बनाना कि वह अपने अधिगम का उत्तरदायित्व ले सके, छात्रों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास करना, छात्र समस्याओं के समाधान हेतु कौशलों, आपसी समझबूझ, सहयोग तथा सहायता आदि का प्रयोग करना, और इस प्रकार योग्य बनाना कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकाल सकें। छात्रों में आपसी सहयोग, सहायता, सहानुभूति, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना, बड़ों के प्रति आदर आदि का भी विकास करना सहकारी अधिगम शिक्षा का उद्देश्य होता है। सहकारी अधिगम विधियाँ अपने आप में बहुत विशिष्ट होती हैं। ये सामान्य विधियाँ नहीं हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सामूहिक रूप से भाग लेते हैं, शिक्षक भी शिक्षार्थियों के समूह का भाग बन जाते हैं, उस तरीके से शिक्षार्थियों को सिखाते हैं, प्रत्येक सदस्य को इन विधि में स्थान दिया जाता है, शिक्षार्थियों के हित वाली परियोजनाओं और सवालों को स्थान दिया जाता है, विविधता को स्थान दिया जाता है, और इसके साथ साथ सभी का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें छात्र संघर्षों को सुलझाने का कौशल भी सीखते हैं, सदस्यों के अपने पिछले अनुभवों और ज्ञान को उसमें स्थान मिलता है,
लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचाना जाता है और एक निर्देशक के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। और इसके लिए इसमें प्रत्येक प्रकार की सहायक सामग्री यानी पाठ्यपुस्तक से लेकर इंटरनेट तक सभी का प्रयोग किया जाता है, छात्रों को वो उपलब्ध कराया जाता है। अब हम बात करते हैं सहकारी अधिगम विधियां हैं कौन कौन सी। दोस्तों, सहकारी अधिगम विधियों में पहली विधि है स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीज़न, यानी जिसको हम स्टार्ट के नाम से जानते हैं, छात्र टीम उपलब्धि प्रभाग विधि। दूसरी विधि है टीम गेम टूर्नामेंट TGT, टीम गेम्स टूर्नामेंट विधि। तीसरी विधि है सहकारी एकीकृत पठन और संरचना विधि, यानी कोऑपरेटिव इंटीग्रेटेड रीडिंग एंड कंपोजिशन CIRC। जिक्सा भी एक प्रमुख सहकारी अधिगम विधि है। इसके अलावा लर्निंग टुगेदर, एक साथ सीखने की विधि, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन विधि, समूह जांच विधि, कोऑपरेटिव स्क्रिप्टिंग मेथड यानी सहकारी स्क्रिप्टिंग विधि। अब हम एक एक करके इन विधियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले थी स्टार्ट यानी छात्र टीम उपलब्धि प्रभाग विधि। इसका प्रतिपादन स्लेविन महोदय ने 1994 में किया था। यह विधि मिश्रित क्षमता समूहों वाले बालकों को समूह में रहते हुए व्यक्तिगत अधिगम हेतु और समूह में प्रत्येक की मान्यता और जिम्मेदारी को सम्मिलित करते हुए एक सहकारी कार्य करने का अवसर देती है और इस प्रकार वो सीखते हैं। इसमें छात्रों को 4 सदस्यों के समूहों में बांट दिया जाता है जो उनके प्रदर्शन स्तर या वर्ग के आधार पर मिश्रित होते हैं। शिक्षक एक पाठ प्रस्तुत करता है और फिर छात्र ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी टीमों के भीतर काम करते हैं कि सभी टीम के सदस्य उस पाठ को आत्मसात कर लें। अंत में सभी छात्र अध्ययन सामग्री से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी को व्यक्तिगत रूप से पूरा करते हैं। उस समय वे एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं। इसमें छात्रों के स्कोर की तुलना उनके पिछले औसत से की जाती है और उस अंक के आधार पर उनको अंक दिए जाते हैं जिसमें छात्र का प्रदर्शन अधिक अच्छा होता है। छात्रों के व्यक्तिगत अंकों के आधार पर टीम का स्कोर तय होता है और जो टीम सबसे ज़्यादा स्कोर प्राप्त करती है, मानदंडों को पूरा करती है, उसको प्रमाण पत्र या अन्य पुरस्कार दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग विभिन्न प्रकार के विषयों, गणित, भाषा, कला, सामाजिक अध्ययन इत्यादि में किया जा सकता है और प्रत्येक स्तर पर किया जा सकता है। ये विधि भली भांति परिभाषित उद्देश्यों तथा वस्तुनिष्ठ उत्तरों वाले विषयों जैसे गणित, भाषा, भूगोल, मानचित्र, विज्ञान इत्यादि को पढ़ाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ये निबंध और प्रदर्शन जैसे आत्मनिष्ठ विषयों में भी प्रयोग की जा सकती है यदि इसको कुछ स्थिति तक अनुकूलित कर लिया जाए। दूसरी विधि है टीम गेम्स टूर्नामेंट यानी TGT। ये विधि काफ़ी कुछ स्टार्ट विधि से मिलती जुलती है। इसमें भी छात्रों को अनेक समूहों में बांट दिया जाता है उनके प्रदर्शन, योग्यता, वर्ग या लिंग के आधार पर और उसके बाद वो अपने अपने समूहों में काम करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी अपने टीम के स्कोर पे अंक बढ़ाने के लिए अन्य टीमों के सदस्यों के साथ खेल खेलते हैं। इसमें व्यक्तिगत स्कोर को नहीं देखा जाता, इसमें टीम के लिए विद्यार्थी को खेलना होता है। तीसरी विधि है कोऑपरेटिव इंटीग्रेटेड रीडिंग एंड कंपोजिशन CIRC। इसको स्टीवेंस एंड स्लेविन ने 1995 में दिया था। ये उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वाचन लेखन सिखाने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम है। इसमें छात्र 4 सदस्यीय सहकारी शिक्षण टीमों में काम करते हैं। वे एक दूसरे की साथ गतिविधियों की एक श्रृंखला में संलग्न होते हैं। एक दूसरे की रचना को पढ़ना, कहानियों को आकार देना, कहानियों को सारांशित करना, उनके जवाब लिखना, वर्तनी ठीक करना, डिकोडिंग करना, शब्दावली का अभ्यास करना, इस तरीके की क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं।
वे मुख्य विचारों और अन्य अवबोधात्मक कौशलों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर यह कार्य करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है जिक्सा। एरोजन, ब्लेने, स्टीफन और स्नैप ने 1978 में एक मॉडल विकसित किया था जिस पर यह आधारित है। इसमें एकेडमिक मटेरियल को बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है और उस पर काम करने के लिए छात्रों को टीमों में बांट दिया जाता है। छात्र अपनी टीम के मेंबर के रूप में उस किसी एक अनुभाग पर कार्य करता है और बाकी सदस्यों को बताता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति की जीवनी को उसके प्रारंभिक जीवन, उसकी उपलब्धि, प्रमुख घटनाएं, उसके बाद के जीवन और इतिहास पर उसके प्रभाव इत्यादि कई खंडों में विभाजित कर दिया जाए और उसमें हर टीम मेंबर को एक एक सेक्शन दे दिया जाए उस पर मास्टरी करने के लिए। प्रत्येक टीम सदस्य अपना अनुभाग पढ़ता है, फिर अपनी टीमों में लौटता है और अपने टीम के साथियों के साथ अपने अपने अनुभाग के बारे में पढ़ता है, उनको बताता है। इस प्रकार छात्र इसमें अपने स्वयं के अलावा दूसरे साथियों के अनुभाग को भी सीख सकता है। इसलिए उसे अपने साथियों को ध्यान से सुनना होता है। वे एक दूसरे के काम में रुचि रखने और रुचि दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं। एक ही विषय वाले छात्र विशेषज्ञ समूहों में उन पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं और अपनी टीमों में वापस आते हैं ताकि वे अपने साथियों को बता सकें जो उन्होंने सीखा। छात्र अलग अलग प्रश्नोत्तरी सॉल्व करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप टीम को स्कोर दिया जाता है। एक विधि है लर्निंग टुगेदर। यह भी एक सहकारी अधिगम विधि है जिसको डेविड जॉनसन और रोजर जॉनसन ने 1999 में दिया था विकसित मॉडल के बेस पे। इसमें 4 या 5 सदस्यीय विषम समूह के छात्र असाइनमेंट पर मिलकर कार्य करते हैं। मतलब एक टीम में 4 या 5 सदस्य होते हैं और वे अपनी विशिष्टताओं में अलग अलग होते हैं, अलग अलग योग्यता वाले होते हैं। सभी सदस्य समूह के कार्य में पूर्ण रूप से मन लगाकर कार्य करते हैं और समूह की निष्पत्ति के आधार पर उनको प्रशंसा या पुरस्कार दिया जाता है। छात्र एक साथ काम करना शुरू करने तथा समूह के भीतर नियमित चर्चाएं करने से पूर्व टीम के निर्माण की गतिविधियों पर बल देते हैं। अर्थात पहले किस प्रकार टीम का निर्माण किया जाएगा, किस प्रकार की उसमें गतिविधियाँ होंगी, तत्पश्चात वे कार्य करते हैं और अपना अपना सेक्शन पूरा करते हैं। एक विधि है सहकारी अधिगम की, महत्वपूर्ण विधि है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन विधि। शैरन एंड शैरन ने 1992 में इसको दिया था, एक मॉडल विकसित किया था उसके ऊपर आधारित ये विधि है। इसमें छात्र सहकारी जांच, समूह चर्चा, सहकारी योजना और परियोजना का उपयोग करके छोटे समूहों में कार्य करते हैं और फिर अपने निष्कर्षों पर पूरी कक्षा में प्रस्तुतिकरण देते हैं। ये एक सामान्य कक्षा संगठन योजना है। इस विधि में छात्र अपने स्वयं के 2 से 6 सदस्य समूह बनाते हैं। अध्ययन की एक इकाई से उप विषय चुनने के बाद अलग अलग समूह अपने उप विषयों या खंडों में अध्ययन करते हैं और सामूहिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाएं करते हैं। प्रत्येक समूह अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंटेशन या डिस्प्ले बनाता है। शिक्षार्थियों, सहकारी अधिगम की एक विधि है कोऑपरेटिव स्क्रिप्टिंग, यानी सहकारी स्क्रिप्टिंग। डेंसो ने 1985 में मॉडल विकसित किया था उस पर यह आधारित विधि है। इसमें छात्र जोड़ों में कार्य करते हैं, अर्थात 2 छात्रों का ग्रुप बनाया जाता है और सीखने के लिए सामग्री के अनुभागों को मौखिक रूप से सारांशित किया जाता है। सहकारी स्क्रिप्टिंग में छात्रों को कक्षा में पढ़ाई या सुनाई गई सामग्री पर चर्चा करने के लिए अपने सहपाठियों से मदद मिल सकती है। इसमें एक छात्र सारांशित करता है, दूसरा सुनता है और किसी भी त्रुटि या चूक को सुधारता है, फिर दूसरा छात्र अपनी भूमिका निभाता है। इस प्रकार से यह जारी रहता है जब तक कि सभी सामग्री को सीखा नहीं जाए। जो छात्र इस तरीके से अध्ययन करते हैं वे कहीं ज़्यादा सीखते हैं और उनका सीखा गया ज्ञान स्थायी रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों,
हमने ये जाना कि सहकारी अधिगम की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, यानी ग्रुप में बच्चे किस प्रकार सीख सकते हैं, कितने प्रकार से सीख सकते हैं। सहकारी अधिगम अपने आप में बहुत लाभदायक है। यह अंतर वैयक्तिक व्यवहार और कक्षा वातावरण को सुधारने में सहायक है। इसके फलस्वरूप बच्चे अपने साथियों को, विषय को और विद्यालय को भी पसंद करने लगते हैं। बच्चे अभिव्यक्ति करना, सहारा देना, स्वीकार करना, एक दूसरे के प्रति स्नेह और उनको पसंद करना सीख जाते हैं। इस प्रकार उनमें विद्यालय का डर और तनाव भी खत्म हो जाता है। बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन करना सीख जाते हैं। बच्चे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति और दूसरों की भावनाओं को समझना सीख जाते हैं। यह शिक्षार्थियों में उन जटिल योग्यताओं को विकसित कर सकती है जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक विधियों के द्वारा नहीं विकसित हो पाती। विचारों का योगदान, सूचना एकत्रीकरण, संश्लेषण, संक्षेपण इत्यादि जटिल योग्यताओं को विकसित करने में ये विधियाँ बहुत सहायक हैं। ये बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं, अनेक अध्ययनों द्वारा यह साबित हुआ है। बच्चों के आत्मसम्मान पर इसका सकारात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि समूह के सदस्य के रूप में यद्यपि वो कार्य करता है लेकिन उसको समान महत्व दिया जाता है, प्रत्येक बालक को समान महत्व दिया जाता है, इसलिए बच्चों के मन में भी आत्मसम्मान की वृत्ति जागृत होती है। सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक इसमें योजनाकार, सहायक और निरीक्षक के रूप में कार्य करता है। शिक्षक को यह ध्यान रखना होता है कि जब वह समूह बनाए तो वह कुछ चीज़ों का ध्यान रखे, जैसे छात्रों की योग्यता के आधार पर समूह का निर्माण किया जाए, प्रत्येक बालक समूह के अपने अन्य साथियों की सहायता करता रहे, यह देखता रहे, अध्यापक को यह देखना होगा, अध्यापक यह भी देखे कि प्रत्येक बालक अपनी अधिगम संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, साथ ही उनमें सामाजिक कौशलों का विकास हो रहा है, वो समूह में बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख रहे हैं इत्यादि। सहकारी अधिगम विधि की कुछ कमियाँ हैं। ये समय की दृष्टि से बहुत अधिक खर्चीली है, क्योंकि योजना बनाने, समूह बनाने, समूह को कार्य का आवंटन करने और उसकी तैयारी करवाने में और बच्चों का अपने पार्ट पर मास्टरी करवाने में बहुत अधिक समय लग जाता है। यही कारण है कि प्रायः अध्यापक सहकारी अधिगम में रुचि नहीं लेते। यदि अध्यापक द्वारा प्रत्येक समूह को उचित निर्देशन तथा सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती तब भी सहकारी अधिगम का उद्देश्य नष्ट हो जाता है। सहकारी अधिगम के दौरान छात्रों में कभी कभी सहयोग के स्थान पर बदले की भावना भी विकसित होने का डर होता है। इसी के साथ दोस्तों, मैं प्रतिभा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। आशा है कि यह पाठ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और आप यह भली भांति समझ गए होंगे कि सहकारी अधिगम विधियाँ कितनी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, वह किस प्रकार कार्य करती हैं और अध्यापक को किस प्रकार योजना बनानी चाहिए, किस प्रकार उसका क्रियान्वयन करना चाहिए और किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।